क्या इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में न्यू रोबोट्स आ चुके हैं और इनमें से एक रोबोट ऐसा है जो कि कार में भी बदल जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये है कि मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी के टायर से आर पार हो सकते हैं। तो मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी का चीट कोड लगाते हैं हम लोग 0700। मेरे हिसाब से शायद इसी लैम्बोर्गिनी की बात करी गई होगी। अब ये लैम्बोर्गिनी पहले नीचे आएगी आसमान से, फिर चल के हम लोग देखते हैं कि इसके टायर में ऐसा क्या जादू है। तो इसके टायर के पास हम लोग आ चुके हैं, अब इसके अंदर जाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अंदर गया और भाई मैं तो सच में इसके आर पार आ गया। ये क्या हो रहा है, इसके टायर के अंदर टायर नहीं है क्या? ये कैसे हो रहा है यार, पूरा आर पार मैं अंदर जा पा रहा हूँ। और ये वाला टायर देखते हैं, इसके भी मैं अंदर जा पा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल ही नीचे से निकल जाऊँगा कार के, लेकिन मेरी हाइट थोड़ी सी बड़ी है। एक बाइक बुला के देखते हैं हम और इसके थ्रू मैं इन टायर्स के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं फिर क्या होता है, क्या बाइक भी आर पार चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसके बीच में से, मुझे ये देखना है क्या हम लोग इसके नीचे से निकल के आ सकते हैं, और बहुत ही तगड़ा स्टंट वो हो सकता है। तो गाइस ये आप देख सकते हो, मैं इसके नीचे से निकल के आ गया भाई, जो कि थोड़ी सी जस्ट हाइट के डिफरेंस में था। अब इसके टायर में जाके देखते हैं भाई ये क्या हुआ। मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी उड़ चुकी है यार, मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी को तो बिल्कुल हवा जैसे फूंक दिया है। ये क्या हुआ था, इस बार मैं आर पार आगे टायर के। लेकिन मैं समझ गया, अगर हम लोग बिल्कुल ही धीरे जाते हैं ना तो ये देखना क्या होता है। ये देखो गाइस, बिल्कुल ही आप इसको उड़ा सकते हो भाई हवा में। यार कितना ज्यादा तगड़ा ग्लिच है ये, इतनी बड़ी मॉन्स्टर लैम्बोर्गिनी को हम लोग हल्के से धक्के में ही उड़ा दे रहे हैं यार, बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। एक लास्ट बार और करते हैं, ठीक है। ये पास आए और ये देखो यार कितनी ज्यादा दूर उड़ा दी, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि H10 से शॉप आती है। तो भाई ये तो मैंने नोटिस किया है यार कि जो H1 से H10 तक बिल्डिंग्स है ना, ये सब अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स है। जैसे कि हम लोग H10 अभी स्पॉन करते हैं, तो H10 से आप देख सकते हो ये सही में शॉप ही है गाइस, क्योंकि इसके सामने ना 3 शॉप लगी है बिल्डिंग के। और H8 से मुझे याद है कि एक ऐसी बिल्डिंग आती थी जो कि ना टॉयलेट था, वो पूरा टॉयलेट रहता है। और H8 से कल हमने मिनी होटल भी देखा था पिछली एक वीडियो में, ठीक है। फिर H9 से हम देखें तो ये भी मुझे कुछ अलग टाइप का ही होटल जैसा ही लग रहा है। तो ये आप सब देख सकते हो कि कुछ अलग और बिल्डिंग है क्या इसमें, और मुझे बताना मिथ में। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि सिलेंडर को ट्रक के ऊपर रखेंगे तो गिर जाएंगे। ट्रक है क्या हमारे गेम में? अच्छा हाँ, एक ट्रक तो है ट्रेलर वाला। तो ट्रक की बात करिए तो ये ट्रक है। अब इसके ऊपर मैं सिलेंडर रखूंगा तो गिर जाएगा, वो तो मुझे लग भी रहा है यहाँ पे गिर जाएगा। देख लेते हैं तब भी एक बार स्पॉन करके। यहाँ पे मैंने सिलेंडर रखा और बिल्कुल परफेक्ट स्पॉन हुआ है भाई, मतलब बिना ट्रेलर के भी इसको लेके जा सकता हूँ क्या? यार मुझे सही में लग रहा था ये गिर जाएगा, बट यार गिरे ही नहीं। एक और बार स्पॉन करके देख लेते हैं हम लोग। ये वैसे नॉर्मल स्पॉन करो तो भी शायद नहीं गिरते हैं ना, कि गिर जाते हैं। ठीक है, एक और बार स्पॉन करते हैं। भाई ये टायर है ना इसके नीचे उतर जा रहे हैं, लेकिन ये गिर नहीं रहा। अब पता है बात चैलेंज की आ चुकी है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं देखूं कि भाई मैं कितने सिलेंडर यहाँ पे स्पॉन कर सकता हूँ, वो भी बिना गिराए। क्या लगता है गाइस आपको? 3 बिल्डिंग तो मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी है, मतलब कि 3 लाइन। अगला सिलेंडर जो मैं स्पॉन करने वाला हूँ, अगर ये मैंने खड़ा कर दिया भाई, यार 4 कर दिए, अब तो इसमें जगह बची नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन तब भी एक और रिस्क लेके देखते हैं, क्योंकि जब ये गिरेंगे ना तो भी मज़ा ही आएगा। यहाँ पे मैंने स्पॉन किया और ये भी नहीं गिरा यार। ये देखो गाइस, 5 के 5 लाइन मैंने खड़ी कर दी है भाई। लेकिन आपने बोला था सिलेंडर गिर जाएंगे, जो कि नहीं गिर रहे हैं, तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर आप RGS टूल में हाउस कलर रेड ब्लू येलो ग्रीन ग्रे कुछ भी ट्राई करोगे तो सब कलर डार्क हो गए हैं। तो गाइस ये मुझे भी लग रहा है ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हमने पिछली बार ग्रे कलर देखा था, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप हाउस कलर ग्रे डालोगे ना तो ये ग्रे नहीं, ये ब्लैक हो रहा था। ये देखो ये पूरा ब्लैक हो गया है, पहले ग्रे होता था लाइट कलर में। तो ऐसे ही हो सकता है बाकी सारे कलर भी हो रहे हो। हाउस कलर रेड डालते हम लोग और ये भी यार काफ़ी ज़्यादा ही डार्क रेड लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है अपडेट में, लेकिन यार हर चीज़ डार्क हो गई है। ब्लू डाल के देखते हैं, ये भी मुझे डार्क लग रहा है यार। लगता है ये अगले अपडेट में फिक्स होगा गाइस, क्योंकि अभी तो भाई सारे ही कलर देखो डार्क आ रहे हैं। ये ग्रीन भी बिल्कुल डार्क ग्रीन टाइप में ही लग रहा है, और एक येलो बचा है हमारा, वो भी देख लेते हैं। येलो करो तो देखो ये भी डार्क हो रहा है, लेकिन RGB में कोई फर्क दिखेगा नहीं,
मैं बस डाल के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि यार वो ऐसी है, लेकिन उसमें क्या ही फर्क दिखेगा। तो गाइज हो तो चुका है, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम जॉम्बी मोड पर अपने आप को स्टिकी बम लगा के जॉम्बी को घोस्ट राइडर से मारेंगे तो उनको कुछ नहीं होगा और हम उन्हें मार नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, पहले घोस्ट राइडर को हम लोग स्पॉन कर लेते हैं 5555 से। और घोस्ट राइडर आपको पता ही होगा कि जॉम्बीज मर जाते हैं अगर इससे आके टच हो या हम इस पे बैठे और वो हमसे आके टच हो। तो अब पहले हम लोग स्टिकी मैन बन लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो स्टिकी बम आपको कुछ जमीन पे मारने और फिर आपको इनके ऊपर स्काईफॉल लगा देना, इन्फिनाइट हेल्थ लगाना मत भूलना। अब हम लोग घोस्ट राइडर के ऊपर बैठेंगे और चलेंगे एयरपोर्ट के पास। अरे यार एक चीज तो मैं भूल ही गया कि जब हम स्टिकी मैन बनते हैं तो भाई गाड़ी तो चलती नहीं है, तो फिर इसको मैं लेके कैसे जाऊंगा वहां तक। तो अभी तो हम लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग किसी भी चीज से वहां तक जा नहीं सकते। हम किसी भी चीज पे बैठेंगे तो वो चलेगी ही नहीं। तो ज़ॉम्बीज के पास मैं आ चुका हूँ, ये लोग मेरे पास दौड़ते हुए आ रहे हैं यार। अरे यार मैंने ना घोस्ट राइडर बाइक स्पॉन ही नहीं करी, रुको मुझे स्पॉन करनी पड़ेगी, मैं कैसे भूल गया। 5555 से स्पॉन करते हैं। पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये लोग मरते हैं, लेकिन उसके चक्कर में यार ये सारे मर जाएंगे अब लग रहा है। अब मुझे इन लोगों को फिर से स्पॉन कराना पड़ेगा। अगर आपको भी इनको फिर से स्पॉन कराना है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा दूर जाके ना एयरपोर्ट से वापस पास आ जाना, ये लोग फिर से स्पॉन हो जाते हैं। तो अब हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। घोस्ट राइडर मेरी खड़ी हुई है, जल्दी से बैठ जाता हूँ इसके ऊपर। अब ज़ॉम्बीज मेरे पास आ रहे होंगे। ठीक है, ये तो यार मर रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई। आपने तो कुछ और बोला था, रुको मैं थोड़ी गाड़ी चला के देखता हूँ, क्योंकि चलाऊंगा ना तो ये आड़ी टेढ़ी होगी, इधर उधर होगी, तो शायद फिर ये लोग नहीं मरे। ये लो मैंने पूरी इसको आड़ी टेढ़ी कर दी, अब आ जाओ तुम लोग, अब देखते हैं। अरे ये क्या हुआ भाई, मुझे फेंक दिया, क्या खतरनाक फेंका यार। कितनी दूर जा रहा हूँ मैं, सीधा एयरपोर्ट से कंस्ट्रक्शन एरिया के पास, और मुझे लग रहा है मैं बहुत तेज ठुकने वाला हूँ दीवार से। ये मजा आ गया भाई सीन देख के तो। लेकिन वो लोग यार सारे के सारे मर रहे थे, तो ये मैं तो बस्टेड है।